हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 से कंसर्न एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के मीनिंग और उसके रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में। यस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। सो समझते हैं कि क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, यहाँ पर टर्म्स हैं, टाइटल से बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ डेलीगेट का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र करना। और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? रिपीटेडली हम ये चीज़ डिस्कस करते हुए हैं, अथॉरिटी का मतलब पावर। पावर किस चीज़ के रिगार्डिंग? पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर। सो एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक पर्टिकुलर पर्सन के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन है, वर्क लोड है, और उसको फिर जनरली क्या है, और वर्क प्रेशर मिल जाए या और काम उसको मिल जाए, तो वो पहले से ही एक्सेस बर्डन ऑफ वर्क उसके ऊपर है। तो क्या कर सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन? अपने किसी जूनियर को, अपने किसी सबऑर्डिनेट को वो काम ट्रांसफ़र कर सकता है। अब देखिए, सीनियर जनरली क्या है, अपने जूनियर को ट्रांसफ़र कर रहा है या सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम ट्रांसफ़र कर पा रहा है, बट द कंडीशन इज़ कि उसके पास पहले से ही क्या है, ऑलरेडी काफ़ी वर्क बर्डन है और उसको एडिशनल वर्क मिला है, तो वो क्या करेगा, अपने जूनियर से वो काम शेयर कर लेगा, मतलब वो काम ट्रांसफ़र कर देगा अपने सबऑर्डिनेट को, और वही काम अपने सबऑर्डिनेट को देगा जो उसको लगता है कि हाँ उसका सबऑर्डिनेट अच्छे से कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसको कैसे डिफाइन कैसे करा जाएगा? और अथॉरिटी, जैसे मैंने बताया, पावर है जनरली डिसीजन लेने के रिगार्डिंग, कि पावर को अथॉरिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर जब सबऑर्डिनेट को आप क्या कर रहे हो, एज अ सीनियर, एज अ सुपीरियर, आप उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। देखो, आप अपना काम दूसरे को दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब पूरी हो पाएगी? जब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड अथॉरिटी देंगे। हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अकॉर्डिंग इन दोनों आस्पेक्ट के अंदर, मतलब इन दोनों आस्पेक्ट के बीच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना ज़रूरी है। सो इसीलिए क्या है, जब आपने किसी वीकेंसी सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। इसलिए कॉन्सेप्ट का नाम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। अब जरा समझ लेते हैं और अच्छे से कि क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो एज यू कैन सी, क्या लिखा हुआ, इट इज कंसर्न विद असाइनमेंट ऑफ टास्क टू अ सबॉर्डिनेट एंड कन्फर्मिंग ही द रिक्वायर्ड अथॉरिटी टू अकम्प्लिश द टास्क असाइन। कि आप जनरली, मतलब एज अ सुपीरियर, एज अ सीनियर, जो आपने काम अपने सबॉर्डिनेट को दिया है, और उस काम को कराने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड अथॉरिटी या रिक्वायर्ड अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने काम को कर सके। अगर सिर्फ आपने ऑब्लिगेशन क्रिएट करनी, अथॉरिटी नहीं दी है, पावर नहीं दी है, तो काम नहीं हो पाएगा। ओके, और एक्चुअल में यहाँ पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस करने से मैंने डिफाइन कर दिया कि एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट से ट्रांसफ़र करेगा, तो याद रखिएगा यहाँ टू पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, ओनली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस कॉन्सेप्ट। दो पार्टीज कौन होंगी, सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट, या मैनेजर और उसका सबॉर्डिनेट होगा। ओके, सिर्फ दो पार्टीज होंगी, दो से ज़्यादा पार्टी होंगी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन से कन्वर्ट। अभी क्या समझना है कि जब दो पार्टीज के बीच में, मतलब एक सीनियर और एक जूनियर के बीच में काम शेयर करा जा रहा है, मतलब एक सीनियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सबॉर्डिनेट को असाइन कर रहा है और उसको पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड अथॉरिटी दे रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम रख दिया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी फॉलो होता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स भी मेंशन कर रखे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या एलिमेंट्स हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ तीन एलिमेंट के ऊपर हमें डिस्कशन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग जो भी आपको टास्क दिया गया है, जो भी आपको वर्क दिया गया है उसको कंप्लीट करने के। ओके, अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर जो आपको दी गई है ताकि आप असाइन टास्क को पूरा कर सकें। अकाउंटेबिलिटी टर्म का क्या मतलब है, देखिए यहाँ जो टर्म अकाउंटेबिलिटी यूज़ करा है, इसका सिंपल मीनिंग होता है आंसरेबिलिटी से, जवाब दे होना। अब उसके साथ साथ मैंने आगे और भी कुछ लिख रखा है, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ और चीज़ें जान लीजिए।
देखिए मान लीजिए किसी एक सीनियर ने एक मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम दिया जो उसको किसी और से मिला था। क्यों भाई किसी और से कैसे मिला? क्योंकि एक सीरीज बनी हुई है, आप किसी के जूनियर हो तो किसी के सीनियर हो गए एंड वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट चलेगा। सो एक्चुअल में क्या है, मैनेजर ने अपना काम जो उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा था, कुछ और एडिशनल उसको काम मिला है अपने सीनियर से, उसने अपने जूनियर को ट्रांसफ़र कर दिया। ओके अच्छा दो पार्टीज है अभी तो आपने बोला था, तो एक्चुअल में मैनेजर और सबॉर्डिनेट जो हम आगे का ट्रांसफ़र की बात करें वो दो पार्टीज के बीच हो रहा है। ओके अब मैनेजर ने काम दिया, जिम्मेदारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी दी है। तो अगर मान लीजिए सबॉर्डिनेट टाइम पर काम ना कर पाए, ओके टाइम पर काम कंप्लीट ना हो पाए जो असाइन करा गया है, तो जवाबदेह कौन होगा या रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन होगा? वेरी गुड, डेलीगेटर होगा। डेलीगेटर कौन? हमारे एग्जाम्पल में, हमारे केस में क्या है, मैनेजर है या सुपीरियर है। सो एक्चुअल में क्या है, जो डेलीगेटर है, जो मैनेजर है, सिर्फ क्या असाइन कर सकता है? प्योरली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमेशा किसके ऊपर रहेगी? डेलीगेटर के ऊपर रहेगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट का नाम भी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखा, अकाउंटेबिलिटी नहीं रखा, क्या रखा है कॉन्सेप्ट का नाम? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि एक सबॉर्डिनेट, एक डेलीगेटर फुली क्या डेलीगेट कर पा रहा है, क्या ट्रांसफर कर पा रहा है अपने सबॉर्डिनेट को? सिर्फ अथॉरिटी। अगर काम टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ तो जवाबदेह भी डेलीगेटर होगा और जिम्मेदार भी डेलीगेटर होगा। क्यों भाई? तो प्रोविजन क्यों बनाया है? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मैनेजर का एक्सेस बर्डन ऑफ वर्क रिड्यूस करने के लिए है, उसको बिल्कुल केयर फ्री छोड़ने के लिए नहीं है। कि आप बिल्कुल लापरवाह होते हैं, आपने काम अपने जूनियर को दे दिया तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए। आप उसको नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दें, नेसेसरी गाइडेंस दें, टाइम टू टाइम फीडबैक दें, फॉलोअप करें कि काम सही हो रहा है, टाइमली हो रहा है, कितना पोर्शन ऑफ टास्क कंप्लीट हुआ है, कितना रिमेनिंग है, आपको थोड़ा कंसर्न रहना पड़ेगा ना। इसीलिए क्या करा है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर रखा गया है? डेलीगेटर के ऊपर रखा गया है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली डेलीगेट नहीं हो सकती और अकाउंटेबिलिटी भी फुली डेलीगेट नहीं हो सकती, क्योंकि अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? सीनियर रहेगा, मैनेजर रहेगा। सिर्फ क्या फुली डेलीगेट कर सकते हैं? अथॉरिटी को फुली डेलीगेट कर सकते हैं। एंड दैट्स द लॉजिक बिहाइंड कि यहाँ टॉपिक का नाम सिर्फ क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। हालांकि इसमें तीन एलिमेंट आ रहे हैं, तो सिर्फ अथॉरिटी क्यों रखा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? क्योंकि यही एक ऐसा एलिमेंट है जो फुली डेलीगेट कर सकता है एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को। सो एक्चुअल में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक्सेस बर्डन ऑफ वर्क को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग अप्रोच है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो सीनियर है अपने जूनियर को क्या करे, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, कमांड दे दे, कुछ इंस्ट्रक्शन, कोई गाइडेंस ना दे, और मतलब बिल्कुल केयरफुली हो जाए, तो उसको थोड़ा अटेंटिव बनाने के लिए, कंसर्न बनाने के लिए क्या करा गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का क्राइटेरिया या जो उसका बर्डन है वो किसके ऊपर रखा गया है? डेलीगेटर के ऊपर रखा गया है। सो ये था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग और इसके रिलेटेड एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। और एक और चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी इसमें, मैनेजर उसका इमीडिएट सबॉर्डिनेट, सुपीरियर या सबॉर्डिनेट, दो पार्टी से ज़्यादा नहीं होंगी। दो पार्टी से ज़्यादा होंगी तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाएगा। अब वो क्या है इसकी डिटेल में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज लाइक वीडियो को भी दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।